हेलो दोस्तों, आज आप लोगों को सेल्फ ग्रो चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को करंट इलेक्ट्रिसिटी से रेजिस्टेंस इन पैरेलल के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो पहले रेजिस्टेंस इन पैरेलल के जानने के पहले कुछ नोट है, इसको हम लोग को कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको जान लेना बहुत ज़रूरी है। क्या होती है पैरेलल सीरीज में, क्या होती है सर्किट, कुछ इस तरह का सर्किट होती है पैरेलल में। रेजिस्टेंस है R1 और R2, दैट इज वी जे वोल्टेज, बैटरी का वोल्टेज भी दिया हुआ है, दैट इज ए पैरेलल। क्या है पैरेलल सर्किट है, तो इसमें हमको कुछ नोट करके पॉइंट याद रखना होगा। कुछ क्या है हमको ध्यान में रखना होगा, क्या क्या पॉइंट है कि पैरेलल सर्किट में क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ऑल द रेजिस्टेंस आर सेम। क्या होगी पोटेंशियल डिफरेंस, क्या होगी जितने भी रेजिस्टेंस का सेम होती है, पोटेंशियल डिफरेंस आर सेम अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगी मतलब क्या है, बैटरी का भी वोल्टेज है तो इसके एलॉन्ग भी क्या होगी वोल्टेज भी होगी पैरेलल पैरेलल सर्किट में। और बट क्या होती है, बट लेकिन करंट क्या होगी डिफरेंट होगी, ये भी हमको ध्यान में रखना है, बट करंट इज डिफरेंट। क्या होते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ से आई करंट गया, यहाँ से हम क्या है सर्किट में आई करंट बैटरी से फ्लो किया, यहाँ तक आया, यहाँ तक जाने के लिए इसके पास दो रास्ते हैं, इधर भी जा सकते हैं इधर भी जा सकते हैं। तो कुछ करंट इधर I1 चले गए तो इधर क्या जाएंगे I, टोटल करंट तथा I1 इस सर्किट में चले गए हैं तो I1 I-I1 R2 रेजिस्टेंस में चला जाएगा। तो मतलब क्या है करेंट डिफरेंट होता है, बट पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, यहाँ पे भी होगा पोटेंशियल डिफरेंस इसके अलावा, तो इधर से 0 है तो V-0 मतलब भी है पोटेंशियल डिफरेंस, भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा। मतलब क्या होगा पैरेलल सर्किट में क्या है पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है बट करेंट इज डिफरेंट। ये क्या पहला पॉइंट हमको रिमेम्बर रखना है। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो रेजिस्टेंस होता है, टोटल रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होते हैं इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम होता है, क्या होगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करें मतलब इक्विवेलेंट मतलब वही टोटल रेजिस्टेंस जो होते हैं सर्किट का, आर लेस देन क्या होते हैं, आर लेस देन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम होता है, समझ रहे हो भाई, जैसे इसके निकालने का फॉर्मूला होता है, जैसे क्या है ये एक सर्किट है देख रहे हैं हम, तो क्या है R1 एंड R2 आर द दो रेजिस्टेंस दिया हुआ है पैरेलल में, तो इसके जो निकालने का फॉर्मूला क्या होगी 1/रेसिप्रोकल ऑफ 1/R1 + 1/R2, समझ रहे हो ये पैरेलल का निकालने का फॉर्मूला होता है। तो क्या है हम यहाँ से देखें कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम होगा तो कि जो रेजिस्टेंस अब निकलेगा जो टोटल रेजिस्टेंस वो क्या होगा लेस देन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस जो R1 और R2 है उससे छोटा होता है, तो समझ रहे हो। तो 1/R1 जितना भी सर्किट दिया हुआ रहेगा सबका क्या करेंगे हम भाई रेसिप्रोकल कर देंगे इस तरह से 1/RN, समझ रहे हो। तो ये था क्या है हमको ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट था जो इसको हमको दिमाग में हमेशा याद रखना है, ये आपके लिए था। एक कुछ न्यूमेरिकल है जो हम इसके बेस्ट पर एक न्यूमेरिकल करते हैं जिससे हमारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे क्लियर हो जाएंगे। तो देखते हैं एक न्यूमेरिकल है यहाँ पे क्या है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन टू रेजिस्टेंस आर 3 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये क्या होगा पैरेलल में कनेक्टेड है, क्या एक क्वेश्चन है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिया हुआ है 3 ओम 6 ओम है कनेक्टेड इन पैरेलल, तो क्या होगा। तो क्या करेंगे जब दो रेजिस्टेंस हमको क्या दे चुके हैं तो सोल्यूशन करेंगे। पहला क्वेश्चन है क्या 3 ओम रेजिस्टेंस दिया हुआ है एक, और एक क्या दिया हुआ है 6 ओम, और दोनों क्या है पैरेलल में है,
तो इसका क्या होगा, इक्वेलेंट रेजिस्टेंस। तो फॉर्मूला हम जानते हैं, 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2, यही होता है फॉर्मूला भाई। तो क्या करेंगे, 1/3 + 1/6 करेंगे, तो क्या होगा, 6 3 2 6। तो यहां से क्या देगा, 1/R बराबर 3/6। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हम निकाल सकते हैं भाई, कि 1/R बराबर 1/2। अब क्या है, इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा भाई, R बराबर 2 ओम। तो क्या है, जो 2 ओम आया है, इससे हमको यह समझना है कि जो 2 ओम आया है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस 3 और 6 ओम था, उससे कम आया है। तो ये क्या था, एक सिंपल प्रॉब्लम था बेस्ड ऑन पैरेलल सीरीज। अब दूसरा प्रॉब्लम के ऊपर जाते हैं। क्या है दूसरा प्रॉब्लम, ये दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है, तीन रेजिस्टेंस, इस डायग्राम में तीन रेजिस्टेंस दिया हुआ है। ये R1 क्या है और R2 और R3 क्या है, पैरेलल है और R1 के साथ सीरीज में है। तो हमको निकालना है तीनों क्वेश्चन में कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना होगा, टोटल करेंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट कितना होगा, और द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो चलते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन की तरफ, क्या क्या निकालना है दूसरी प्रॉब्लम में। तो सबसे पहले हम सर्किट बना लेते हैं, क्या सर्किट है, इधर बनाते हैं थोड़ा। सर्किट क्या दिया हुआ है, इसको हम थोड़ा क्या बना लेते हैं, क्या है, रेजिस्टेंस सीरीज में है, सिक्स वोल्ट दिया हुआ है भाई, 12 ओम दिया हुआ है, 8 ओम दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, 7.2 ओम। अब क्या करेंगे, ये दोनों क्या है, पैरेलल है, तो पैरेलल का फॉर्मूला लगाएंगे ये दोनों के लिए। तो क्या होगा इस सर्किट के लिए, क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या होगा, 1/R निकालेंगे, 1/8 + 1/12। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 8 24, 8 4 6 by 24, 1/R। थ्री होगा भाई 5, इसको आप सॉल्व कीजिएगा, 24 by 5, 4.8 ओम। तो ये क्या हो गया भाई, कि ये दोनों का जो पैरेलल है, पैरेलल का रेजिस्टेंस हम कितना निकाले हैं, 4.8 ओम, ये जो पैरेलल आया। तो अब सर्किट कैसा हो जाएगा भाई, जैसे ये दोनों को पैरेलल को निकालने के बाद अब सर्किट कुछ इस तरह का बन जाएगा। ये क्या होगा भाई, 7.2 ओम, और इसके साथ ही टोटल रेजिस्टेंस जो इस पैरेलल का हो जाएगा 4.8 ओम। अब क्या है, एक 6 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ भाई। अब क्या करेंगे, 7.2 ओम और 4.8 ओम को क्या करेंगे, अब ये सीरीज में हमको दिख रहा है, क्योंकि अब सीरीज में हो गया, तो सीरीज का फॉर्मूला लगाएंगे। तो सीरीज का फॉर्मूला लगाते हुए 8 टोटल क्या हो जाएगा भाई, 7.2 ओम + 4.8, कितना हो जाएगा, 8 10 7 12, तो कितना हो गया, 12 ओम आ गया। ये 12 ओम कितना गया, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट आ गया। तो हमको रेजिस्टेंस तो निकल गया। अब क्या बोल रहा है, करंट कितना पास करेगा सर्किट के द्वारा। ये तो पहला क्वेश्चन हमको सॉल्व हो गया भाई, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, करंट। तो हम जानते हैं बाय ओम्स लॉ, मतलब ओम्स लॉ को दिमाग में रखेंगे भाई। बाय ओम्स लॉ वी इक्वल टू क्या होता है, IR। तो यहाँ से करेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I = V/R। तो वी कितना दिया हुआ, बैटरी का वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 6, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 12। तो कितना हो जाएगा, 1/2, दैट इज 0.5 एम्पियर करेंट फ्लो कर रहा है भाई। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन में क्या था कि द पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अक्रॉस R1, R1 के अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट इज R1। R1 ए था, R1 R2 दिया था, ये R3 था। तो R1 के अक्रॉस क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या होगा, हमको निकालने के लिए सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर का हमको करंट पता हो जाए और रेजिस्टेंस पता हो जाए। रेजिस्टेंस तो दिया हुआ है, करंट
इस सर्किट में क्या फ्लो कर रहा है, जो यहाँ से करंट जाएगा यही तो करंट इससे पास करते हुए यहाँ फिर जाकर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। लेकिन हमको निकालना है किसके तरफ, इसके अगला। तो इसके 7.2 ओम तो दिया हुआ है, तो हम यहाँ से एक फार्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बाई ओम्स लॉ का फिर यहाँ से फार्मूला लगाएंगे कि वी बराबर आई आर। अब आर जो लेना है क्या निकालना है, जिसके अलोंग निकालना है उसका रेजिस्टेंस यहाँ पे लेंगे भाई। तो आर वन के अलोंग निकालना है तो आर वन हो जाएगा। टोटल करंट कितना जा रहा है सर्किट में भाई, 0.5। और कितना है आर वन का रेजिस्टेंस, क्या दिया हुआ है भाई, आर वन का रेजिस्टेंस 7.2 ओम दिया हुआ है, तो 7.2 करेंगे। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, 7.2 दिया हुआ है, तो 0.5 × 7.2, अब इसको आप क्या कर सकते हैं, इस तरह × 10, 72.5 जा कितना होगा, तो इसको करेंगे 5 × 10 = 36, 2200, तो कितना हो जाएगा, 3.6 वोल्ट। तो इसका कितना 3.6 वोल्ट आ गया, क्या ये आ गया, क्या 3.6 वोल्ट ये क्रॉस वोल्टेज कितना आ गया, इसके रहा हूँ आर वन के अलोंग जो पोटेंशियल डिफरेंस है 3.6 वोल्ट है। अब क्या है, जो पोटेंशियल डिफरेंस बचा है ये दोनों के अलावा क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो आज के लिए इतना ही भाई, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। थैंक यू।